नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि केवल अपने शरीर को नहीं लेकिन अपने शब्दों को भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि आपकी शक्ल आपके शरीर को लोग भूल सकते हैं लेकिन आपके शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। वैसे भी हम अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं समाज में, कि मेरी एक पहचान हो, लोग मुझे याद करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पद और पोजीशन के आधार पर ही कोई किसी को याद करे, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार, उसके शब्द भी लोगों की स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं और उन्हें याद करके उन्हें याद किया जाता है। तो क्यों ना हम अपने शब्दों को ऐसा बनाएं जो लोगों को प्रेरित करने वाले हों, लोगों का कल्याण करने वाले हों, लोगों को आगे बढ़ाने वाले हों और लोगों को आपकी याद दिलाने वाले हों। जब भी आपकी याद आए, आपके वो सुंदर शब्द याद आ जाएं और लोग उत्साह से, खुशी से भर जाएं। क्या ऐसा हम अपने शब्दों को बना सकते हैं? ज़रूर आज सारे दिन हम मिलकर इस बात पर ध्यान दें और साथ ही ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों को खुशी दे, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। तो आइए शब्दों के जादूगर बनकर चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताओ तो घी बनता है। दूध से महंगी दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से भी महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बार बार दुख व संकट आने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, ये समाज उसी का मूल्य बढ़ाता है। यद्यपि यही वो समाज है जो हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करता है, हमें हमारे नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करने पर मजबूर करता है, किंतु जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं, चरित्रों व संस्कारों के साथ समझौता नहीं करता, वह व्यक्ति दुनिया द्वारा नमन किया जाता है, वो दुनिया की हर चोट के साथ और निखरता है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिस बात पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो धन हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई बात हो। तो क्यों ना इस बात पर हम गहराई से चिंतन करें कि हमें अपने जीवन में किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिन बातों को हम अपने जीवन में नहीं देखना चाहते, उन बातों पर ध्यान ना दें, ना उनका चिंतन करें और ना ही उनकी चर्चा करें, तो स्वतः ही वो समाप्त हो जाएंगे। और जिन बातों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उनका चिंतन करें, उसी की चर्चा करें, उसी का सुंदर विज़न देखा करें, तो वो हमारे जीवन में शामिल होते चले जाएंगे। फिर चाहे वो अच्छे संबंध की बात हो या फिर अन्य बातों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हों। हम अच्छे स्वास्थ्य को भी अपने जीवन में देखना चाहते हैं, इसीलिए उसका भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। हम 40 के पार हो चुके हैं और हमें इस बात का भी ज़रूर ये चिंता रहती है ना कि वजन बढ़े ना, तो सबसे पहले चिंता ना करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना ये डीजेनरेटिव प्रोसेस को बढ़ा देता है और वजन को भी बढ़ाता है। हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या नहीं करें जिससे हम वेट बढ़ने को रोक सकते हैं और ऐसा क्या करें जिससे हम हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपका भोजन वो अनियमित है तो उसे चेंज करें। यदि आप डिब्बा बंद यानी प्रिजर्व फूड लेती हैं, जंक खाते हैं, तो उसे हम रोकें और अपने डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करना स्टार्ट कर दें। दूसरा, देखा गया है कि यदि आप आधे घंटे तक बैठते हैं ना, तो 80% यानी 80% से आपका मेटाबॉलिक रेट घट जाता है। यानी पहले अगर मेटाबॉलिक रेट जितना था, उससे आपके सिर्फ 30 मिनट्स बैठने से 80% कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो भी बढ़ता है यदि आप बैठे रहते हैं। तो देखा गया है कि यदि भोजन के बाद भी
थोड़ी भूख रहती है ना, तो हम अपने वेट को बहुत इजीली मेंटेन रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भूख लगे तो पूरा पेट भर से ना खाएं, थोड़ा सा पेट को खाली छोड़ें। तो ये तीन चीज़ें हमें नहीं करनी है। जंक नहीं खाना है, एक जगह पे लंबे समय तक नहीं बैठना है और बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। ओम शांति। धन्यवाद। जब हम दादी जानकी जी को देखते हैं तो सचमुच वो एक ऐसी शक्ति स्वरूपा थी जिन्होंने न केवल आंतरिक दुर्गुणों रूपी महिषासुरों का वध किया बल्कि अनेक कन्याओं, माताओं और भाइयों को भी शक्ति संपन्न बनाया ताकि वो अपने अंदर के दुर्गुण रूपी जो रावण है, असुर हैं, उनका वध कर सकें और अपने जीवन को श्रेष्ठता, महानता और दिव्यता की ओर ले चल सकें। तो ऐसी नारी शक्ति दादी जानकी जी को अपने सम्मुख रखते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए, स्वयं में शक्ति भरते हुए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट नवरात्रि नारी शक्ति की ओर। जैसे हम देवताओं की महिमा करते हैं कि उनके हर कर्मेंद्रियां कमल फूल समान थी, इसलिए उनकी महिमा में हम गाते हैं कि मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, चरण कमल। तो हमें भी हर कर्मेंद्रियां को विषयों के रसों के आकर्षण से मुक्त करना है। आज हम इंद्रिय रसों में इतने लिप्त हो गए हैं कि जीवन का जो मूल ध्येय है आत्मकल्याण, हम उसको भूल चुके हैं। आँखों से देखने का रस, कानों से सुनने का रस, मुख से बोलने का रस, खाने का रस, स्वाद रस में हम डूब गए हैं। तो ये समय है हम स्वयं शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त करें और विषयी रसों से मुक्त पवित्र दिव्य जीवन बनाएं। सचमुच अध्यात्म जीवन को प्रकाशित कर देता है, अध्यात्म जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, हमें सत्य की ओर लिए चलता है और साथ ही जीवन की तमाम तकलीफों को समाप्त करते हुए जीवन को आनंद से भर देता है। कई बार लोग अध्यात्म के लिए ये सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ तो बहुत ही निरस्ता भरा जीवन है, लेकिन सचमुच यदि हम देखें अध्यात्म जीवन को सरल, सहज और आनंद से भर देता है। इन दादियों के जीवन को देखकर हमें यही महसूस होता है और यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस पथ पर एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएं। दादियों ने जो कार्य किया उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं हजारों, लाखों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ और उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। झारखंड के गुमला में ब्रह्मा कुमारीज एवं क्रिएटिव यूनिक डिस्कवरी चैनल के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों में जागृति हेतु चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में पुरस्कार वितरण समारोह सह स्वस्थ जीवन का आधार मानसिक संतुलन एवं कल्पतरु अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे विद्यालय परिसर में लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इकोलॉजिस्ट सत्यनारायण सिंह जी, प्रधानाचार्य रमाकांत साहू जी, राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अनित उराम, जयदीप उराम, बीके ममता बहन, बीके सुचिता बहन, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षकों के साथ साथ अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बीके ममता बहन ने कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन में मन को एकाग्र कर हम अपने विद्यार्थी जीवन समेत कई मायनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उपस्थित अन्य गणमान्य जनों ने भी अपने सुंदर विचार सभी के समक्ष रखे। अंत में प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन संजुक्ता मैडम जी द्वारा किया गया।
मित्रों, अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था कि मुझे प्रभु चाहिए, अक्षौणी सेना नहीं चाहिए। उनके इस निर्णय ने पूरे ही परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। मुझे प्रभु चाहिए, ये निर्णय उनके जीवन के लिए सार्थक साबित हुआ और पांडवों की विजय हुई। वास्तव में निर्णय लेना कि प्रभु जीवन में चाहिए, प्रभु शामिल हो जाए मेरे जीवन में, उसके पश्चात फिर सारे निर्णय प्रभु स्वयं करने लगते हैं हमारे जीवन के। हम एक निर्णय तो लें कि मेरे जीवन में प्रभु चाहिए, फिर देखें आपके जीवन के सारे निर्णय स्वतः ही प्रभु लेने लगते हैं और आपका जीवन सरल, सहज और आनंद से परिपूर्ण होता चलता है। तो आज गहराई से इस बात पर विचार कीजिएगा मित्रों कि प्रभु को हमने कौन सा स्थान दिया है अपने जीवन में, वो प्रथम स्थान में है या अंतिम स्थान में है। उन्हें प्रथम स्थान दें तो जीवन सचमुच सरल, सहज और आनंदमय हो जाएगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।